तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम दिखा रहे हैं पिंजौर का अलौकिक दृश्य, जहाँ की हरियाली व शुद्ध वातावरण एक अपनी खास ही अहमियत रखता है, क्योंकि मान्यता यह भी है कि जो एक बार यहाँ पर आ जाए वो यहाँ से दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेता। इसके पीछे जो कारण है वो यहाँ का वातावरण व शुद्धता और यहाँ के लोगों का जो प्यार प्रेम है उसके कारण ही ये सब संभव हो पाता है। क्योंकि पिंजौर एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ की सरजमी अपने अंदर बहुत सी ऐतिहासिक यादें समेटे हुए है। पिंजौर में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे यादवीद्रा गार्डन, पिंजौर की पांडवकालीन बावड़ियां, भीमा देवी मंदिर, गुरुद्वारा मंजी साहिब जहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने कुछ समय बिताया था, और डेरा बाबा तोपनाथ जी आदि ऐतिहासिक स्थल है जो यहां पर पर्यटकों को आने के लिए हमेशा ही उत्साहित करते हैं। माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास के 365 दिन यहीं बिताए थे, जिसका परिणाम आज भी पिंजौर में वे 365 बावड़ियां हैं जो कि उस समय पांडव प्रतिदिन पानी पीने के लिए खोदा करते थे। कहते हैं कि पांडवों को पानी में जहर के भय से उन्हें प्रतिदिन नई बावड़ी खोदनी पड़ती थी। हैरानी की बात यह है, आज भी जितनी भी बावड़ियां बची हैं उनमें आज भी पानी निरंतर ही बहता है।